तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि अगर आप अपने फोन को रात में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हो, यानी कह सकते हो कि चार्जिंग पर लगा के सो जाते हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका फोन जो होता है फ्रेंड, वो यहाँ पे देखिए अब हो क्या रहा है कि जो नए नए फोन आ रहे हैं फ्रेंड, उनमें ऑटो कट का ऑप्शन आ रहा है। यानी कह सकते हो कि अगर आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा रात को तो ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद हो जाती है, आपको चार्जर बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब ऐसे में अभी भी कंडीशन ऐसी है फ्रेंड कि बहुत से लोगों के पास, करोड़ों की संख्या में लोगों के पास वो कंडीशन अभी तक नहीं आई हुई, यानी वो सेटिंग अभी तक नहीं आई हुई है या वो फैसिलिटी अभी तक नहीं आई हुई है कि यहां पे आपका जो ऑटोमेटिक जो कट ऑफ है चार्जिंग का वो ऑटोमेटिक हो जाए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं कि यहां पे आप कैसे एक सेटिंग कर सकते हो अपने फोन में जिसके जरिए आपका फोन जो है ऑटो ओवरलोडिंग चार्जिंग से बच सकता है बहुत आसान तरीके से। जिससे होगा क्या कि आप अपने फोन की जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी को बरकरार रख सकते हो, यहां पे किसी प्रकार से उसको फूलने से बचा सकते हो, डैमेज होने से बचा सकते हो बहुत आसान तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटो कट की सेवा जो है उपलब्ध नहीं है, यानी कह सकते हो फ्रेंड कि जब आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है और उसके बाद भी आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगा रहता है, तो जिससे होता क्या फ्रेंड कि हमारे फ़ोन की जो बैटरीज है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे कि बहुत जल्दी बैटरी हमारी ख़राब हो जाती है या फिर फूल जाती है। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो यार कि कोई ऐसी सेटिंग हो जिसके ज़रिए मतलब जो मैं अपने फ़ोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज कर पाऊँ और यहाँ पर जो भी हो चार्जिंग की जो कैपेसिटी हो वो ऑटोमेटिक ओवरलोडेड होने से बच जाए, तो फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत आसान तरीके से कि कैसे आप अपने रियलमी फोन में ये सेटिंग कर सकते हो कि जब भी आप रात को फोन पर चार्ज लगा के सो जाओगे फ्रेंड, तो होगा क्या कि यहां पे आपकी बैटरी पर ओवरलोड नहीं पड़ेगा और पावर कंजम्पशन जो आपकी बैटरी के लिए रिक्वायरमेंट होगा फ्रेंड वो भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कि कैसे आपको वो कम करना है, चार्जिंग कैपेसिटी को कैसे कम करना है जब आप रात को सो जाओगे फ्रेंड। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है जो बैटरी के लिए जो चार्जिंग है ओवरलोडिंग है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी जब आपका फोन चार्जिंग पे लगा होगा। कैसे करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत सिंपल में, बहुत आसान तरीके से फ्रेंड। वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है इसलिए बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है आपको अपने चैनल की वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको करना क्या है, आप मोबाइल की सेटिंग पर चले जाना है। देखिए ये रियलमी फोन में होता है फ्रेंड, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे फोन में सेटिंग है कि नहीं है, आप ये अपने फोन में सेटिंग पर जाकर देख सकते हो, आप वही सेम प्रोसेस कर सकते हो जैसा कि मैं कर रहा हूं। अगर आपके फोन में सेटिंग होगी फ्रेंड तो आप यूजली कर पाओगे। पहले तो रियलमी फोन में ये आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले नहीं था लेकिन अभी रिसेंटली आया हुआ है, जो नया अपडेशन आ रहा है रियलमी फोन्स का उसमें ये सेटिंग दी जा रही है। तो फ्रेंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूजली आपको करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो फ्रेंड आपको यहाँ पे आपको करना क्या, बैटरी के सेक्शन पर जाना है। कहाँ जाना है मेरे दोस्त, बैटरी के सेक्शन पर जाना है आपको। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि बैटरी का सेक्शन अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको यहाँ पे आपके रियलमी फोन में फ्रेंड आगे पीछे ऑप्शन दिए होंगे, आपको सर्च कर लेना है, आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टैप कर देना, जैसे यहाँ पे टैप कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे की ओर आना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मोर बैटरी सेटिंग। सिंपली आपको मोर बैटरी सेटिंग पर यहाँ पर टैप कर देना, जैसे आप यहाँ पर टैप कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग। यहाँ पर सिंपल में आप देख सकते हैं फ्रेंड लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, यानी कह सकते हो कि यहाँ पर आपका जो रात को जो अपना फोन चार्ज करोगे उसका ऑप्टिमाइजेशन, यानी कह सकते हो, देखिए आप इसका इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है टू रिड्यूस बैटरी एगिंग एंड फोन लर्न्स फ्रॉम योर डेली चार्जिंग रूटीन सो इट कैन कंट्रोल द चार्जिंग स्पीड एट नाइट एंड अवॉइड ओवर चार्जिंग। यानी कह सकते हो फ्रेंड ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा आपके लिए। सिंपली करना क्या है, आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे तो आप अपनी सेटिंग यहाँ पे सेट कर चुके हो, अब यहाँ पे ओवरलोड नहीं पड़ेगा जब आप रात को अपने फोन को चार्ज पे लगा के सो जाओगे। पहली बात तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्रेंड कि आप कभी भी अपने फोन को रात को चार्ज पे लगा के मत सोइए, लेकिन कभी कभार हम लोग गलती कर बैठते हैं, गलती से गलती होती है फ्रेंड, हम लोग जानते हैं, इसलिए आपको इसको ऑन करके रखना है। अगर कभी कभार गलती हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे आपका जो चार्जिंग कैपेसिटी होगी वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, आपका फोन यहाँ पे सेफ बना रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू so much।